महज कुछ ही दिनों में बॉलीवुड की दुनिया में अपने अभिनय और अपनी अदाओं के बदौलत अपने प्रशंसकों की फेरिस्त लंबी करने वाले मशहूर अभिनेता और बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनके लिए बहुत कुछ करने को आतुर हैं। सुशांत के प्रशंसकों की लिस्ट में शामिल हैं अपने संगीत की बदौलत राइजिंग स्टार की मंच से उतरकर लोगों के दिलों में बसने वाले इंटरनेट सेंसेशन और बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर। बाकी लोगों की तरह मैथिली भी अपने हीरो की मौत के बाद उदास है और पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में सुशांत की मौत का कारण सुन बॉलीवुड से खफा है, जिसके बाद मैथिली ने फैसला किया है कि वह अब बॉलीवुड के गाने नहीं गाएंगी। अब से हम लोग बॉलीवुड गानों के जो कवर्स करते थे वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और इसका रीजन क्या है ये मुझे नहीं मालूम, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। और मेरा बिल्कुल अंदर से ऐसा एकदम से फीलिंग आया, मैंने पापा से भी डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती जा रही थी। पिछले दो दिन से बहुत सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम भी दो दिन से चला रही हूँ, तो सिर्फ वही चीजें कि कैसे गलत चीजें हो रही हैं। और कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हम लोग इस सब चीजों को दबा देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं ये सब तो हम लोग अभी खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करेंगे अच्छे से, जो चीज़ नहीं पसंद है वो चीज़ नहीं करेंगे। और एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम लोग को उम्मीद है आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। दरअसल लोगों के दिलों में बसने वाली राइजिंग स्टार मैथिली अपने चहेते अभिनेता सुशांत की मौत की खबर सुन हैरान थी। मैथिली को कई दिनों तक यह बात पच नहीं रही थी कि सुशांत अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैथिली कर भी क्या सकती थी। वह इस खबर से इतनी आहत हुई कि कई दिन तक तो उन्होंने अपने प्यारे संगीत और अपनी जान से भी ज्यादा चाहने वाले हारमोनियम को भी छोड़ दिया था, और अपने चाहने वालों के लिए रोज रोज अपने भाई, अपने या फिर अपने पिता के फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट पर गाना डालने वाली मैथिली दूर हो गई थी। हालांकि अब सदमे से बाहर आने के बाद मैथिली ने बॉलीवुड से किनारा करते हुए हमेशा अपनी खुशियों से जुड़े काम करने का फैसला लिया है। लेकिन कोई हमारे यहाँ का और हम उनको इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे अच्छे मूवीज़ में देख रहे हैं और एकदम से सडन डिसमाइज उनका, मतलब हमको बिल्कुल 3 दिन तक तो विश्वास ही नहीं रहा था कि ये जो खबर टीवी पे हम देख रहे हैं वो सच है, लेकिन और 3 दिन से मतलब दिमाग में भी कोई भी काम कर रहे थे तो वही चेहरा, वही सारी सीन्स जो हम लोगों ने टीवी पे देखे हैं, जो इंटरनेट पे देखते आ रहे हैं, मतलब लगातार ये सब चीज़ें चल रहा था दिमाग में, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो आज मैंने वो होने वाला है, क्योंकि हम लोग ऋषभ के चैनल पे सिर्फ बॉलीवुड गानों को कवर करके डाल रहे थे, जो भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये गाना अच्छा आप इस गाने को करके डालिए, लेकिन अब हम लोग वो काम नहीं करेंगे। बॉलीवुड गाना आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो हम लोगों ने पब्लिश किया था ऋषभ के चैनल पे, जिसमें हमने बोल दिया है कि बॉलीवुड गाने हम लोग नहीं गाएंगे। तो और ये अभी की ही नहीं, ये मैंने सोच लिया जब तक हर चीज़ क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई भी काम नहीं करना है, जो चीज़ अच्छा लगे वही करना है, नहीं अच्छा लगे तो वो नहीं करना है। तो बहुत डिस्कशन, बहुत दिमाग में झोल चल रहा था, पहले से भी बहुत सारी थॉट्स थे दिमाग में। तो आप लोग अब ऋषभ के चैनल पे इंग्लिश का मतलब क्या बोलते हैं बॉलीवुड गाने नहीं सुनेंगे और वो अपने चैनल पे दूसरे कंटेंट्स बनाएंगे, तो आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहिए। न्यूज़ 11 के लिए निर्भय किशोर की रिपोर्ट।